हेलो फ्रेंड्स, आई एम कोमल छापकर। वेलकम टू आशीर्वाद किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पनीर की बहुत ही खास सब्जी। खास इसलिए है क्योंकि ये जैन पनीर की सब्जी है, यानी कि इसको बनाने के लिए मैंने प्याज, लहसुन या टमाटर का भी यूज़ नहीं किया है। बड़ी ही आसानी से बन जाती है, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और बहुत ही इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट से ये बन जाती है। फिर भी खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। जब कभी भी कोई ऐसा त्यौहार हो या कोई भी ऐसा फेस्टिवल हो जिसमें आप प्याज और लहसुन नहीं खाते, तब आप ये सब्ज़ी बना सकते हैं। और साथ ही में कभी कभी कुछ मेहमान ऐसे भी होते हैं जो प्याज लहसुन को नहीं खाते हैं, अवॉइड करते हैं, तो तब भी आप ये सब्ज़ी ज़रूर से बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है आधा कप हल्का गर्म पानी, जिसमें ऐड करना है 2 टेबलस्पून काजू, 2 टेबलस्पून मगज के बीज वाटरमेलन सीड्स और साथ ही में 1 टेबलस्पून पॉपी सीड्स यानी खसखस ऐड कर देना है। अगर ये तीनों चीज़ आपके पास ना हो तो आप मूंगफली का उपयोग कर सकते हैं। इसे ढक कर थोड़ी देर के लिए हम साइड में रख देंगे ताकि ये सब कुछ एकदम सॉफ्ट हो जाए। अगर आप मूंगफली का उपयोग करने वाले हैं तो आप उसको आधा घंटा फ्रीजर में रख देंगे, फिर उसके छिलके उतार के आप उसी तरीके से मूंगफली को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे मैंने लिया है एक दूसरा बोल, जिसमें ऐड करना है 2 टीस्पून ऑयल। यहाँ पे आप सरसों का ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ऑयल में ऐड करना है 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये बहुत ज़्यादा तीखा नहीं होता, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और साथ ही में 1/4 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट ऐड करेंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी। इसको इस तरीके से हाथों से थोड़ा सा मसल के ऐड करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स लेंगे। यहाँ पे हम पनीर को मैरिनेट करने वाले हैं ताकि पनीर खाने में फीका ना लगे। देखिए यहाँ पे मसाले अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहे हैं, मुझे ऑयल कम लगा इसलिए मैंने फिर से 2 टीस्पून जितना ऑयल ऐड कर दिया है इसमें। तो सारे मसाले ऑयल के साथ अच्छे से मिक्स हो गए हैं, तो पनीर को मैरिनेट करने के लिए हमारा मैरिनेशन रेडी है। यहाँ पर मैंने लिया है 200 ग्राम पनीर, जिसको मैंने इस तरीके से क्यूब्स में कट किया है। पनीर की जगह आप आलू को भी थोड़ा सा बॉईल करके यूज़ कर सकते हैं, और इसी के साथ आप चाहे तो कैप्सिकम का भी यूज़ कर सकते हैं और आप चाहे तो दूसरे वेजिटेबल्स का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप दूसरे भी वेजिटेबल वाली सब्जी बना सकते हैं सेम मेथड से। आज मैंने यहाँ पे पनीर लिया है और पनीर को अच्छे से मसालों के साथ मिक्स करके मसाले की अच्छी सी कोटिंग कर लेंगे पनीर के ऊपर, और पनीर को इस तरीके से मैरिनेट करके उसे 15 से 20 मिनट इसी तरीके से छोड़ देंगे मसालों के साथ। तो यहाँ पे हमारा पनीर रेडी है। अब यहाँ पर मैंने लिया है एक मिक्सचर का जार, जिसमें मैं ऐड कर दूँगी काजू और वाटरमेलन सीड्स और पॉपी सीड्स वाला ये मिक्सचर, और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है और इसकी प्योरी बना लेना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पनीर भी लिया है, पनीर को कट करने के टाइम पे मैंने थोड़ा सा पनीर इस तरीके से बचा लिया था। पनीर ऐड करने से ग्रेवी बहुत ज़्यादा टेस्टी एंड क्रीमी बनेगी। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड करके इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है। तो ये देखिए, ये मिक्सचर का जार बड़ा है तो इसमें अच्छे से इसका पेस्ट नहीं बन पाया, तो मैंने छोटे वाले जार में इसको ट्रांसफ़र करके इसका पेस्ट बना लिया है। अब यहाँ पे मैंने वही वाला जार ले लिया है जिसमें मैं ऐड कर रही हूँ 200 ml दही है। ये एकदम ताज़ी दही है और बिल्कुल भी खट्टी नहीं है। आप ये प्रोसेस किसी बोल में भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये मिक्सचर का जार बिगड़ा हुआ था इसीलिए मैं इसके अंदर सब कुछ मिक्स कर रही हूँ। दही में हम थोड़े से मसाले डालेंगे, तो मैंने थोड़ी सी हल्दी, धनिया जीरा पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला ऐड किया है और 1/2 टीस्पून भुना जीरा पाउडर ऐड किया है। इसमें हम सॉल्ट अभी ऐड नहीं करेंगे वरना दही पकने के टाइम पे फट जाएगी। इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। आप बोल में भी ये सारी चीज़ों को मिक्स कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा मसाला वाला दही भी रेडी हो गया है। तो चलिए अब जल्दी से सब्ज़ी बनाने की तैयारी करते हैं। एक कढ़ाई में मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है। ऑयल आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं, और ऑयल गर्म होते ही उसमें डालेंगे इलायची,
थोड़े से सिनेमन स्टिक, यहाँ पे मैंने एक स्टार एनिस लिया है, थोड़े से ब्लैक पेपर है, बे लीव्स, तेज पत्ता, थोड़ा सा लौंग है, हाफ टी स्पून जीरा ऐड किया है, जीरा चटक जाए उसके बाद जो पनीर मैरिनेट करके रखा हुआ है उसे ऐड कर देंगे। फ्लेम को एकदम लो रखेंगे वरना पनीर के साथ जो मसाले हैं वो जल जाएंगे। तो अच्छे से इनको लो फ्लेम पे हम फ्राई कर लेते हैं। अगर आप पनीर को फ्राई नहीं करना चाहते तो बिना फ्राई किए भी आप पनीर को लास्ट में ऐड कर सकते हैं। तो आज मैंने पनीर को थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। यहाँ पे पनीर फ्राई हो गया है तो मैं इसे एक प्लेट में अलग से निकाल लेती हूँ। अब फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और ऑयल हमारा हल्का सा गर्म ही है और आप देख सकते हैं मसाले जले भी नहीं हैं क्योंकि फ्लेम को एकदम लो रखा हुआ था। तो अब ऑयल जो है वो हल्का गर्म है तो ऑयल के साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून देसी घी यानी कि प्योर घी, और घी की जगह आप बटर भी ऐड कर सकते हैं। घी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे और अभी भी मैंने गैस की फ्लेम को बंद रखा है और अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हींग, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून काश्मीरी रेड चिली पाउडर, और ये जो लाल मिर्च पाउडर है ये बिल्कुल भी तीखी नहीं है लेकिन फिर भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। अच्छे से मसालों को मिक्स करेंगे ऑयल में। गैस की फ्लेम को मैंने अभी भी बंद रखा है। अब ये जो मसाला वाला दही है वो हम ऐड करेंगे और उसी के साथ जो काजू वाला पेस्ट बनाया है वो भी ऐड कर देंगे। आप इसी तरीके से मूँगफली का पेस्ट बना कर के भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। पहले अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेते हैं और गैस की फ्लेम को उसके बाद ही ऑन करेंगे। तो अभी देखिए सब मिक्स हो गया है। तो अब मैंने फिर से गैस की फ्लेम को ऑन किया है और फ्लेम को मैंने एकदम लो रखा है। मिक्सचर को अच्छे से कुक करेंगे, इसको बहुत ही अच्छे से उबाल को स्टर करते रहना भी ज़रूरी है क्योंकि दही जो है वो फट जाएगी वरना। ये देखिए यहाँ पर दही जो है यानी कि ग्रेवी जो है वो उबलना स्टार्ट हो गई है। तो इसे हम चलाते रहेंगे और आप देख सकते हैं कि 3 से 4 ही मिनट में इसमें से ऑयल सेपरेट होने लगा है। स्वाद के अनुसार हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, आप चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं। और इसी के साथ ऐड कर देंगे 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर। इस सब्जी में मसाले थोड़े से ज़्यादा डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और अभी भी इसमें मैंने नमक ऐड नहीं किया है, इसे ढककर मैंने फिर से 2 से 3 मिनट के लिए पकाया है और आप देख सकते हैं ऑयल बहुत ही अच्छे से इसमें से सेपरेट होने लगा है और अब ये बहुत ही जल्द कुक हो जाएगा। देखिए इस सब्जी को बनने में बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है, बहुत झटपट से ये बन जाती है। और अब ये देखिए ऑयल सेपरेट होने लगा है तो यहाँ पे मैंने फ्राई किया हुआ पनीर भी ऐड कर दिया है और बस अब थोड़ी ही देर में ये सब्जी बन के तैयार हो जाएगी। बस ये जो ग्रेवी है वो पनीर के साथ अच्छे से घुल मिल जाए। थोड़ी सी कसूरी मेथी मैं फिर से ऐड कर रही हूँ। कसूरी मेथी का टेस्ट इस सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो उसे आप बिल्कुल स्किप ना करें। और सॉल्ट को हम एकदम लास्ट में गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद ऐड करेंगे। देखिए दही का स्वाद जो है उसे बैलेंस करने के लिए मैंने 1 टीस्पून शुगर ऐड किया है। तो बहुत ज़्यादा शुगर मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि मेरा जो दही है वो एकदम फ्रेश है और बिल्कुल खट्टा नहीं है। अब फिर से मैं इसको ढककर सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए पका लूँगी क्योंकि सब्ज़ी हमारी रेडी है। और ये देखिए वाव, बहुत ही अच्छे से सब्ज़ी रेडी हो गई है। सारा ऑयल जो है वो एकदम ऊपर तैरने लगा है। अब मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद ही अब इसमें लास्ट में हम सॉल्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर देना है। आज मेरे पास धनिया पत्ती नहीं है तो धनिया पत्ती की जगह आज मैं ये जो करी पत्ता होता है उसे बारीक बारीक चॉप करके ऐड कर रही हूँ। ये भी बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल लगता है। तो ये देखिए बनी है ना हमारी सब्ज़ी एकदम ज़्यादा टेस्टी, और इतनी सब्ज़ी 2 से 3 लोगों के लिए इनफ है। तो चलिए इसे गर्मा गर्म हम सर्व कर देते हैं।
आप इस सब्जी को रोटी, पराठा, नान के साथ सर्व कर सकते हैं या तो फिर मसाला वाली भाकरी के साथ सर्व कर सकते हैं। वाओ, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनी है और मुंह में पानी आ रहा है, आई कांट वेट। और आपने देखा इसको बनाना कितना ज़्यादा आसान है, बहुत ही इजीली बन जाती है, बहुत ही इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट से बन जाती है और बहुत ही क्विकली बन जाती है, आपको बिल्कुल ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। और पनीर की जगह आप दूसरे वेजिटेबल्स का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये लीजिए, मैं तो इसको ट्राई कर रही हूँ मसाला वाली भाकरी के साथ और ये बहुत टेस्टी बनी है। रेसिपी कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर से मिलते हैं ऐसी ही एक मस्त रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।